206 हड्डियों से लिपटे हुए गोश्त ने जब पहली दफा सांस भरी तो नजरें अटक गई सीने पे, और लोगों ने कहा कि ये तो सिर्फ एक कमजोर, बेबस और बेसहारा औरत है। तो मैं शुरू करती हूँ। औरत, बच्ची, औरत और लड़की, बच्ची, औरत और लड़की, कुछ ज्यादा फर्क नहीं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं, है तो स्त्री ही। यूं तो एक औरत रुलाई जाती है, बेची जाती है और बेआबरू भी कर दी जाती है, और शायद मार भी दी जाती है, और शायद मार भी दी जाती है, पर मुआफी बख्शिएगा जनाब, मुआफी बख्शिएगा जनाब। मरते तो वही है ना जो कमजोर होते हैं। कमजोर नहीं होती औरत, प्रपंचित होती है औरत, और सिर्फ फरेबियों का शिकार बनती है औरत। बिन लगाम के खर्च की जाती है औरत, बिन लगाम के खर्च की जाती है औरत, और मयसर समझी जाती है औरत। यूं तो घर की इज्जत और शान है औरत, यूं तो घर की इज्जत और शान है औरत, लेकिन घर तक ही, लेकिन घर तक ही, लांघने नहीं दी जाती उसे घर की चौखट। संयम, ममता, प्यार और घर का ताज है, संयम, ममता, प्यार और घर का ताज है, पर आज़ादी पे उसकी हमको तो एतराज है। मैं पूछती हूँ, क्यों प्रश्न चिन्ह का सरोकार है? दर्द रंजिशे छलावा सब ठीक है, दर्द रंजिशे छलावा सब ठीक है, क्यों? क्योंकि यही रीत है, पर मैंने सुना है, पर मैंने सुना है, रीत और प्रीत बदलते हैं, तभी तो मशाल के बाद दीपक जलते हैं, तभी तो मशाल के बाद दीपक जलते हैं। सिर्फ प्यार करने और पूजने के लिए नहीं है औरत, सिर्फ प्यार करने और पूजने के लिए नहीं है औरत, वो है ताकि सुन सको तुम अपनी जिंदगी की आहट, वो है ताकि सुन सको तुम अपनी जिंदगी की आहट। दुआएं, दुआएं, भावनाएं, रात सहर शाम ऊपर इनसे भी, दुआएं, भावनाएं, रात सहर शाम ऊपर इनसे भी, शोला, शमा, आग और जल्लाद भी, शोला, शमा, आग और जल्लाद भी। तो आज जब अस्तित्व खतरे में पड़ने लगी है, और अब जब वो डरने भी लगी है, ऐसा क्यों, इसका जिम्मेदार कौन? इस सवाल पर अब सब मौन, इस सवाल पर अब सब मौन। उसके दामन में फूल भरने आए थे, कुछ झूठे वादे कर उसे छलने आए थे, तो आवाज आई कि वो तो शोला थी, शमा नहीं, तो जवाब में आया कि वो भी तो अपना था, कोई पराया नहीं। चलिए जाने देते हैं, चलिए जाने देते हैं, आगे की तैयारी करते हैं। कुछ बेड़ियां तोड़नी हैं, कुछ रूह जोड़ने हैं, कुछ राहतें आएंगी, कुछ सिसकियां जानी अभी बाकी हैं, कुछ पुरुष गाएंगे, कुछ महिलाएं बोलेंगी, और ऐसे कुछ बदलाव अब आएंगे। लेकिन वो अस्तित्व अब भी खतरे में है। चलिए थोड़ा नजरिया भी बदलते हैं कि हाथ उठाकर दुआ नहीं हिम्मत मांगते हैं, हाथ उठाकर दुआ नहीं हिम्मत मांगते हैं, क्योंकि वो एक औरत, एक माँ, प्रेमिका, पत्नी, बहन से ऊपर आपकी जिंदगी आसान करती हुई कुंजी है, वही कुंजी, वो आपकी जिंदगी आसान करती हुई एक कुंजी है, वो कि जिसके तबस्सुम पे फिदा है तुम्हारा दिल, दो उसके लबों को आजादी न जाए कहीं वो सिल, दो उसके लबों को आजादी न जाए कहीं वो सिल। एक कदम और बढ़ाते हैं इन सब के बाद, एक कदम और बढ़ाते हैं कि नारीवाद छोड़ समानता को अपनाते हैं, नारीवाद छोड़ समानता को अपनाते हैं, दूसरे कदम पे सबको जगाते हैं, तीसरे पे ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं और ऊपर उठाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऊपर उठाते हैं, किसको? उसके अस्तित्व को नहीं, हिम्मत और हौसले को, क्योंकि कभी मरती नहीं औरत, और कमजोर भी नहीं होती औरत, प्रपंचित होती है औरत, और सिर्फ फरेबियों का शिकार बनती है औरत। थैंक यू।